हेलो भाई, कैसे काय बरा है। मी आई रोहन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का इस नए व्लॉग में। मेरे चेहरे पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितना नींद में हूँ, लेकिन ये नींद तोड़ के उठना जरूरी है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक मूवी देखने, और वो मूवी का टाइटल मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो अभी निकलते हैं। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, जरूरी है ब्रेकफास्ट करके जाना क्योंकि एज आई सेड ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आज है ब्रेड टोस्ट और चाय। टाइम 10:20 हो गया है, 5 मिनट निकल गया अपना। स्टार्टिंग का क्रेडिट सीन चालू है? नहीं नहीं, स्टार्टिंग स्टोरी से चालू होता है। Hands of his own creation, Android 17. However, टाइम हो गया है 10:20 और अभी हम लोग लेट पहुंचे और ये स्टोरी ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ये अपना मेन हीरो, ये अपना फेवरेट। इंटरवल हो गया, पूरा थिएटर खाली है, सिर्फ एक ही आदमी बैठा है। मतलब पूरा माल मेरा, माने पूरा माल मेरा। चल भाई, पूरा थिएटर खाली है। दूध में खोला जाए बादाम पिस्ता और काजू। रेड तो घर आ गया हूँ और मूवी काफी अच्छी थी, मेरे को बहुत पसंद आई मूवी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया में ड्रैगन बॉल की कोई मूवी थिएटर में रिलीज हुई है। इससे पहले भी हुई थी ब्रोली, पर वो सारे थिएटर्स में नहीं होते, और वो उस टाइम पे रिलीज हुई थी जब बहुत सारे एनिमे फैंस लोगों ने वो एक मूवमेंट चलाया था कि ब्रिंग ड्रैगन बॉल्स टू थिएटर। तो वो टाइम पे वो थिएटर में लेके आना पड़ा उन लोग को मजबूरी में। ये मूवी की खास बात ये है कि इसमें गोकू और वेजिटा, ये जो मेन कैरेक्टर्स है, ये लोग का इतना रोल नहीं है, लेकिन इन लोग का रोल है वो लास्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा स्पॉइलर दे सकता हूँ क्या? दे सकते हैं स्पॉइलर? नहीं बोल रहे, डायरेक्टर नहीं बोल रहे तो हम लोग नहीं डाले, पर सैटिस्फैक्ट्री है। जो भी वेजिटा फैन है ना, उन लोग के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। अभी समझ जाओ क्या है वो। दूसरी चीज ये है कि जो गोहन है उसका एक बीस्ट मोड दिखाया है, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो वो देखने के लिए अगर आपको जाना है तो जरूर जाइए। पिकोलो का भी एक नया फॉर्म दिखाया है, इसमें मल्टीपल नए एंड्रॉइड्स भी दिखाए गए। सबसे खतरनाक विलन, सबसे बोलते ना ब्रूटल विलन सेल, वो इसमें दिखाया गया। तो अगर आपको देखना है तो ये रीजन है आपको ड्रैगन बॉल थिएटर में ही देखना चाहिए, क्योंकि जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल है। तो स्टोरी ऐसी है कि गोकू और वेजिटा इस प्लैनेट पे है नहीं, प्लैनेट को बचाने के लिए वो लोग ट्रेनिंग करने गए हैं विज और बीरस के साथ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ब्रोली भी है, तो ब्रोली फैंस अगर कोई है तो ब्रोली के लिए भी जाओ। और ये सब लोग यहाँ पे है नहीं, तो अर्थ के ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो अर्थ को बचाने कौन आएगा? ऑब्वियसली सस्ती जस्टिस लीग। तो इसमें पिकलो और पिकलो की आर्मी है, जो की है क्रिलिन, गोहान तो चलो ठीक है, पर क्रिलिन है। क्रिलिन को क्यों लेते हैं यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। पर इस मूवी में क्रिलिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो बुलमा को गिरने से बचाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुलमा नहीं रहेगी तो कैप्सूल नहीं रहेगा, और कैप्सूल नहीं रहेगा तो ड्रैगन बॉल कैसे चलेगा। तो ये सब फालतू की बातें साइड में रखो और मेन कहानी पे आते हैं। तो इस कहानी के कुछ किरदार है, मैं वो बता देता हूँ, स्पॉइलर नहीं दूंगा। डॉक्टर हीडो करके एक कैरेक्टर है और डॉक्टर मेजेंटा, तो ये दो लोगों के वजह से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है इन शॉर्ट। और इसमें है दो नए एंड्रॉइड, अगर आपको पता नहीं है एंड्रॉइड क्या है तो आप शायद आईफोन यूजर हो, गंदा था ना, छोड़ो। तो मोटा मोटी बात यही है कि जाके थिएटर में देखो, मजा आएगा। और एनिमे लवर्स, अपने लिए बहुत सारे मूवीज अभी आगे आने वाले हैं, मेरे को लगता है इसका पार्ट टू भी आने वाला है। पार्ट टू का अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर जो क्रिएटर्स है इसके, उन्होंने बोला है कि इसका सीरीज जल्दी आने वाला है, जो ड्रैगन बॉल सुपर का सीरीज है उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है। और बहुत सारे एक्साइटिंग नए कैरेक्टर आने वाले हैं, बहुत पावरफुल। जिरेन को वापस देखना चाहता हूँ मैं, जिरेन खोई। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो फिर वीडियो आज का यहीं तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो रहता है ना, एक बचपन का बच्चा अंदर जागा है आज, क्योंकि जो स्कूल बंक करता था, क्लासेस बंक करता था ये सीरीज के लिए, वो बच्चा आज बाहर निकला है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मिलते फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।